तुमने अभी माहम से वादा तो नहीं किया कि तुम उससे शादी करोगे? नहीं, क्यों? मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं तुम्हारी उससे शादी ना कर सकूं। आप मजाक कर रहे हैं? उस रोज तुम्हारे मामू के यहाँ का माहौल देखा तो बस उसके बाद मैं किसी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या देख लिया आपने? तुमने देखा, ताहिर तो बाकायदा ज़ाहिदा से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, वो डोमिनेट कर लेती है, ही वाज ओके विद दैट। अब आप मामू का गुस्सा मुझ पे तो ना निकाले। माँ हमको भी मैं देख रही थी, बड़ा चेंज्ड एटीट्यूड था उसका, बहुत मुंहजोर हो रही है। अभी से ये हालात है तो बाद में बहुत मुश्किलात हैं। अगर आपको माहम की कोई बात बुरी लगी है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, यानी आइंदा से गलती वो किया करेगी और माफ तुम मांगा करोगे? सर आप नाराज ना हो, क्या हो गया? अब देखें, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बस। देखो बेटा, हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है और हमें उसको बैलेंस रखना होगा। खास तौर पर मियां बीवी के रिश्ते में शौहर को अपनी अथॉरिटी कभी लूज नहीं करनी चाहिए। ये तो अजीब बात की आपने। आई थिंक हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर्स होते हैं, ऐसा करना तो ज्यादती है। मैं तुम्हें कब कह रही कि तुम कोई ज्यादती करो? देखें, मैं इतने साल बाहर रहा, जिस मेंटेलिटी की बात आप कर रही है ना, वो यहाँ के मर्दों की होती है। आई थिंक मैं इन सबसे मुख्तलिफ सोचता हूँ। तुम्हारी इसी थिंकिंग की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, शायद इसीलिए मुझे कुछ वक्त लेना पड़ेगा ये फैसला करने। मुझे अंदाजा है कि वो तुम्हें पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है माँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए उसको रेकमेंड किया था मैंने। बट आई थिंक आई नीड टू टेक सम मोर टाइम। आप खुद एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। देखा, तुम बदल रहे हो और मैं इसी बात से घबरा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बदला। आप जानती हैं अम्मी, हम एक स्वीट लड़की है, बस मामू की दूसरी शादी और बदलते रवैयों ने उसे ऐसा बना दिया। अब खामखा परेशान हो रही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। Have a good day.